Asatoma sat gamaya, tamasoma jyotir gamaya, mrityorma amritam gamaya. आज की इस दिन की शुरुआत ऐसी एक विचारधारा से मैं करना चाहता हूं कि अगर इस देश को सक्षम बनाना है और विश्वगुरु बनाना है तो हमें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कल ऐसा एक छोटा वाकया हुआ, एक छोटा सा बच्चा जिसको चाय वाले ने चाय डिलीवरी करने के लिए भेजा था, उसको मैंने पूछा कि तुम कितने पढ़ते हो, कितना कौन से कक्षा में पढ़ते हो, तो उसने बोला कि मैं नहीं पढ़ाई करता। उम्र उसकी मात्र 17 साल की है, राजस्थान का रहने वाला बच्चा मुंबई में आके चाय कॉफी अपने मालिक के कहने पर जगह जगह पे जाकर देता है। अब मैंने उसको पूछा कि ये काम तुम्हें अच्छा लगता है क्या, वो बोलता है हाँ। मैंने बोला कि मैं अगर आपको स्कूल भेजूं और फीस भरूं तो आप जाओगे? उसने ना बोल दिया, नहीं जाना है उसको स्कूल। इतने नफरत क्यों है, इतने घृणा क्यों है स्कूल से? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैं गुरुजी का ही बेटा हूं, ये हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि स्कूल में अगर बच्चा आना चाहे या नहीं आना चाहे, इसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी ऐसी है कि अगर हमने उसको प्रोत्साहन नहीं दिया, उसको सही मायने में उसको अगर हमने ऊर्जावान नहीं बनाया, स्कूल के प्रति एक अच्छी सोच अगर हमने क्रिएट पैदा नहीं किया, तो कभी भी हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो भी व्यक्ति जानता है कि मां सरस्वती का आशीर्वाद एक इंसान के तन मन और धन में कितना सारा बढ़ोतरी लेके आ सकता है, तो ऐसे बच्चों को जब भी आप मिलेंगे आप उनको प्रोत्साहन कीजिएगा, आप उनको एक दिलासा दीजिएगा कि जब भी आप स्कूल जाएंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसी विचार के साथ मैं ये यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं वापस से स्किल इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप की जो मुहिम मोदी साहब ने शुरू की थी उसके प्रति हम अपना जोर दमखम लगा के उसे हम खड़ा करेंगे। भारत माता की जय।